संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। संज्ञा प्रकरण का थोड़े से सूत्र थे, हमने उनका अध्ययन किया। आज हम दो तीन संज्ञाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हम संज्ञा जानेंगे संप्रसारण संज्ञा। ठीक है, नंबर एक। दूसरी है टी संज्ञा, और तीसरी नंबर पर आती है एक उपधा संज्ञा। इन तीन संज्ञाओं के बारे में हम जानेंगे। टी संज्ञा को हमने पहले भी एक बार समझाया है, स्वर संधि के अंतर्गत, जिसमें जब संज्ञा करा रहे थे उस समय समझाया था। मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप वहां देखना चाहें तो वहां पर भी अच्छे समझाया है। वहां दो लाभ हो जाएंगे आपको, एक तो संज्ञा समझ में आ जाएगी टी संज्ञा कहते किसे हैं, और दूसरा उसमें लाभ ये होगा कि उसको देखते ही आपको संधि के बारे में बताया तो संधि भी समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम संप्रसारण संज्ञा में देखते हैं, सूत्र है इनके, है ना। इगियण संप्रसारणम, दूसरा है अचो अंत्यादि टी, उपधा संज्ञा है अलो अंत्याद पूर्व उपधा। ये हैं तीन सूत्र हैं, हम एक एक करके बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और संप्रसारण में एक यणा, तो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, दे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में। ये जब हमने इको यणची एक सूत्र के द्वारा समझा था, उसका ही बिल्कुल अपोजिट है, ये उल्टा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, फिर आगे इसमें चर्चा करेंगे हम। एक यण और संप्रसारण लिख लेते हैं इसको, है ना। देखिए एक है यण है, संप्रसारण, ये तीन शब्द हैं मात्र इसमें। ये क्या है, एक प्रत्याहार है, जैसे इको यणची उसमें भी एक के स्थान पर यण आदेश होता था, अच यदि बाद में हो तो, है ना। तो इसमें वही चीज है, यहां ले लेते हैं ई उ री ली, एक में ई उ री ली आई उन री रिल रक, यानी आई उन से ई से लेकर के री रिल रक तक जो भी अक्षर आते हैं उसमें ले लिया जाएंगे यण, या वा रा ला। ठीक है, संप्रसारण ये संज्ञा है, ये नाम है। संप्रसारण क्या है, नाम है। लेकिन अब यहां बात आ जाती है कि यहां दो दे रखे हैं, इनमें से संप्रसारण नाम किसका रखा जाएगा, तो हमें थोड़ा सा संधि का ज्ञान होगा तो एकदम साफ दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि संधि हमने पहले, ये से कहते हैं पूर्व ज्ञान से वाद वाले के ज्ञान से जुड़ना। तो हमने पढ़ा था कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, अर्थात ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, रर के स्थान पर रा, लिर के स्थान पर ला हो जाता है, तो वो यण संधि के अंतर्गत आता है। इक का बदला जाता था तो यण होती थी, अब जब ये इक यहां संप्रसारण कह रहा है तो सीधी बात है उससे उल्टा ही होगा, अगर वैसा ही करेंगे तो फिर वो संधि में चला जाएगा। तो यहां पर जो है या वारा ला, इसके स्थान पर ई ऊ री लिरी होता है तो इनकी संप्रसारण संज्ञा होती है। यण स्थाने इक आदेश जहां होता है, याद रखना, तो इक की संप्रसारण संज्ञा हो जाती है। तो किसकी होगी, इक की होगी। इसका मैं एक दो उदाहरण दूंगा तो बातें आपको सही से समझ में आ जाएंगी। जैसे वस है, वस माने होता रहना। अब वस का जब हम
कत्तु प्रत्यय लगाएंगे या कोई भी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। याद रखना इनका जो प्रयोग बता रहा हूं मैं संज्ञा का, वो प्रत्ययों में बहुत ज्यादा होता है। मैंने बताया था शब्दों के निर्माण में संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। अब शब्दों के निर्माण चाहे वो प्रत्यय के द्वारा हो, क्योंकि प्रत्ययों से भी शब्द बनते हैं और प्रत्ययों से शब्द बनते हैं दो प्रकार से, यानी कि कृदंत और तद्धित ये होते हैं, और दूसरी माध्यम है जो सुऔजस जो प्रत्यय है। ठीक है, तो वस है, वस में अगर हम कत्तो प्रत्यय लगा दें तो इसमें उषित्व हो जाता है। अब यहां पर जो ऊ हुआ, वा का ऊ हो गया, वो कैसे हुआ, इस सूत्र से। यहां पर ये सूत्र प्रयोग किया जाएगा, है ना, इसके द्वारा एक यणा संप्रसारण, यानी एक यण के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। तो वा ये है, वा के स्थान पर ऊ हो जाएगा, तो वा के स्थान पर ऊ हो गया, उषित्व यानी रहकर निवास करके इसका मतलब होता है। चलिए इसमें दो एक दो उदाहरण देख लेते हैं। देखिए वह है, वह में यदि हम कत् प्रत्यय लगा दें तो इसका ऊढ़ा हो जाता है। अब यहां पर एक चीज और बताता चलूं, यहां जो ह्रस्व और दीर्घ का यहां कोई भी दिमाग में नहीं लाना, यो जो प्रकृति जो व्यवस्था बनाएगी है वो ह्रस्व या दीर्घ दोनों से ही लिया जाएगा, है ना, क्योंकि हमने जब यह संधि पढ़ी थी तो वहां पर भी कोई जरूरी नहीं था कि ह्रस्व ई ही हो, दीर्घ ई होगी तब भी उसका या हो जाएगा। तो वही हाल यहां पर है, जैसे वा है, वा के स्थान पर ह्रस्व ऊ होना चाहिए था लेकिन यहां पर दीर्घ ऊ हुआ है, तो यह व्यवस्था पहले से ही है, क्योंकि अच जो प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार में दीर्घ को नहीं दर्शाया गया है, वहां सारे जो भी स्वर हैं वो ह्रस्व ही हैं, आ ई ऊ रि रि, है ना, तो वो क्या है, ह्रस्व हैं, दीर्घ तो उनको मानना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है। या यण जो मान लीजिए कि जब हम दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो उसे निर्माण हो जाता है, मैंने एक छोटा सा बीच में समझाने का प्रयास किया था कि व्यंजन संधियां क्या हैं, मूल स्वर चार होते हैं उनसे स्वरों का निर्माण हो जाता है, इस तरह से मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं उसको। तो यहां पर वाज हुआ उसका ऊ हो गया, क्या हो गया, संप्रसारण, तो यहां संप्रसारण क्या है, ऊ है, ऊ की क्या हो जाएगी, संप्रसारण संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जैसे यज है, यज धन कत्वा है, ठीक है, तो या का क्या होगा, या का ई होगा, है ना, तो क्या बन जाएगा, इष्ट्वा। अब ये कैसे बना पूरा, वो उसमें नहीं जा रहा हूं मैं, ये पूरा शब्द कैसे बना इष्ट्वा, ये शा कैसे हो गया, टा कहां से आ गया, वा कैसे हुआ, ये जब प्रत्ययों का अध्ययन किया जाएगा उसमें पता चलेगी सारी बातें। तो हमें केवल अभी इसमें ध्यान देना है या पर और ई पर, क्योंकि ये संप्रसारण हो रहा है, या का क्या हो गया, संप्रसारण हो गया, उसमें क्या होता था, ई के स्थान पर या होता था, इसमें या के स्थान पर ई हो रहा है, बस इतना अंतर है, वहां यण संधि थी, ये संप्रसारण संज्ञा है। उम्मीद कर रहा हूं आपको सही से समझ में आ गया होगा, यदि आपको नहीं आया हो तो एक बार मुझे बताने के कृपा करें, क्योंकि बताना भी बड़ा रहता है कि बताना सही नहीं समझते लोग, नहीं समझ में आती है चीजें तो बता दिया करें, जिससे कि मुझे पता तो चले कि समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है। चलिए हम अगले उदाहरण सूत्र पे चलते हैं। अच अंत आदि, अच है, अंत है, आदि और टी, ठीक है। अच क्या है, स्वर है। अच्छा एक चीज और बताता चलूं, अच याद रख, तीन तीन हैं ये, इन्हें याद कर लीजिए बहुत बढ़िया रहेगा, एक तो अच हो गया, एक हल हो गया और एक अल हो गया। अच का तात्पर्य होता है
संपूर्ण स्वर। हल से होता है व्यंजन और अल से होता है स्वर प्लस व्यंजन, अर्थात स्वर और व्यंजन। अच, हल, अल, ये जब भी आ जाए तो ये संपूर्ण में ही प्रयोग किया जाता है। अच संपूर्ण स्वर के लिए, हल व्यंजनों के लिए, अल स्वर और व्यंजन दोनों के लिए। तो ये स्वर हैं। अंत का मतलब होता है अंतिम। एक चीज में थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आप, और आदि मतलब शुरू होता है, ये तो सभी को पता ही है। आदि मतलब किसी के शुरू में है ना, या इसको करिए शुरू में, यहां किसी के और शब्द लगाना पड़ेगा, शुरू में किसी के, किसी सब वर्ण के शुरू में। टी यहां क्या है, संज्ञा है, अर्थात टी नाम है। अंत्य क्यों प्रयोग किया गया, अंतिम भी प्रयोग कर सकते थे, अंत के क्या मतलब था। तो एक आपने योजना का नाम सुना होगा, अंत्योदय योजना। तो उसमें क्या कर रहे हैं, जो गरीबी है, गरीब हैं, लेकिन गरीबों में भी जो नीचे तबके के हैं, गरीबों से भी गरीब हैं, उनका उदय हो रहा है, अर्थात उनको उठाने का प्रयास हो रहा है। तो अंत्योदय का मतलब है जो अंतिम में है ना, जो है उनमें सबसे अंतिम, अर्थात एक जैसी चीजें हों उनसे कह रहा अंत कहा जाए, तो वो सबसे जैसा एक जैसे दिखने वाले में भी नीचे तबके की जो चीजें हैं। अच्छा, इसमें भी ऐसे ही है, अंतिम का मतलब, यहां अंत का मतलब है जो स्वर दे रखे हों, बहुत स्वर दे रखे हों, एक से अधिक स्वर दे रखे हों, तो उन स्वरों में सबसे जो अंतिम होगा वो अंत्य का मतलब माना गया है ना। तो अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, जैसे है मनस, मनस में मां है, आ है, ना है, सा है। देखिए मां, ठीक है, आ निकल गया है इसमें से, फिर ना और फिर सा। यहां एक चीज और रह गई, अभी ना का आ भी रह गया, ठीक। अब देखिए यहां पर ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो अंतिम स्वर नहीं, अंत्य, यानी सभी में से जो है लास्ट अंतिम, उसकी बात हो रही है। तो यहां अंतिम जो स्वर है वो आ है। अब यहां आदि क्यों प्रयोग किया गया, ये जो आदि है, आदि का मतलब होता है शुरू में। अब यहां पर शुरू में जो बात कही गई है वो किस लिए कही गई है, तो शुरू में इसलिए कहा गया है। यहां आदि शब्द याद रखना, शुरू शब्द वो भी अंतर है, जैसे अंतिम में और अंत में, यहां ये पर्यायवाची नहीं माने जा सकते, लेकिन यहां मजबूरी है, थोड़ा सा लिखना भी पड़ता है। ना अंत्य का अंतिम पर्यायवाची है, ना आदि का शुरू पर्यायवाची है, ठीक है ना, क्योंकि आदि से तात्पर्य है उसके बाद में भी कोई हो, आदि से तात्पर्य है उसके बाद में कोई हो। शुरू का मतलब है शुरू किया, शुरू है, लेकिन बाद में हो या ना हो, शुरू हो रहा है इस समय चीजें। लेकिन आदि शब्द लगाने से सीधा तात्पर्य है कि जो लास्ट में जो कुछ है उनसे आदि में, उनके शुरू में, इसीलिए आदि शब्द का प्रयोग किया गया। इन दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, शुरू और आदि में, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आदि का तात्पर्य है कि है, कोई है इससे पहले भी, उसके आदि में, जो है उनके आदि में। ऐसे अंत, अंत में कुछ है उनके आदि में। अंतिम का मतलब हो सकता है कि वो खत्म ही हो गई सब चीजें, अंतिम रह गया, लास्ट रह गया, ठीक है। लेकिन अंत का मतलब है मौजूद है उनसे नीचे। कोशिश कर रहा हूं इनको परिभाषित करने का, और यदि आप अच्छे से जानते हो इनको परिभाषित करना तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैंने इनको कभी परिभाषित देखा नहीं है, अपनी तरफ से कोशिश करने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहां आदि जो शब्द है इसमें कहा गया है समूह के लिए, ठीक है, किसके समूह, यानी कि जो समूह है, जो वर्ण का जो समूह है। अब यहां अंत तो हमें मिल गया आ, अब सा रह गया, तो क्या होगा, सा से जो पहले आदि में है वर्ण, उन दोनों वर्णों की अर्थात खुद की भी, समूह की, इस पूरे समूह की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। बहुत लंबा हो गया है, मुझे क्यों लंबा करना पड़ा, क्योंकि इसमें जो अंत और आदि दे रखे हैं वो उलझाव वाले हैं,
इनको अगर सीधे तरीके से समझाया जाए तो एक सीधा फंडा है, एक तरीका है कि जो अंतिम स्वर है और उसके बाद में कोई भी वर्ण हो उन सब की टी संज्ञा हो जाती है। इस तरह से सादा समझ में आ जाएगा। जैसे मनस में अस है, ठीक है, इस पूरे अस की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। मैं कहता हूं ना इसको, मैं हर बार बोलता हूं कि मैं कोशिश करता हूं जो वर्ण दे रखे हैं सूत्रों में उनको कोशिश करूं मैं समझाने का प्रयास करता हूं, अपनी तरफ से कोशिश करता हूं जिससे कि जो सूत्र दे रखे क्यों दे रखे हैं उसका कोई कारण तो होगा। तो अंत और आदि का मैंने जो अपने मन से अभी निकाला है, हालांकि मुझे पता नहीं था कि कैसे इसको बताया जाए, तो यहां अस है, अस की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंत में आ रहा है और बाद में वर्ण है, जो भी अंतिम वर्ण अक्षर के बाद में कोई भी वर्ण हो बाद में व्यंजन, उन पूरे समूह की टी संज्ञा हो जाती है। चलिए इसके मैं एक दो उदाहरण दूंगा तो बात एकदम साफ हो जाएगी। मधुली है ना, अब इसके खंड करते हैं, मां है, आ है, धा है, ऊ है, ला है, ई है और हा है, ठीक है। यहां पर ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। इसमें जो अंतिम है वो ई है और हा से आदि में ई है, तो इस पूरे समूह की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें अगर सीधे निकाला जाए ई, ई की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद में इस पूरे समूह की, याद रखना है समूह शब्द के लिए ये आदि का प्रयोग किया गया है, नहीं तो आदि की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन समूह जो लेना है हमें, व्यंजन भी लेने हैं, यदि आदि शब्द को हटा दिया जाएगा तो व्यंजन खतरे में पड़ जाएगा, अर्थात व्यंजन की फिर टी संज्ञा नहीं हो पाएगी, केवल ई की ही हो पाएगी। इसलिए यहां पूरे समूह को लेने के लिए वो इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए जैसे दधी है, कोई भी ले लीजिए शब्द, तो कोई भी हो है, तो इसमें क्या है, अब इसको हम अलग करें तो दा है, आ है, धा है और ई है। अब बाद में कोई वर्ण नहीं है तो अब ये सूत्र बेकार हो जाएगा ना, लेकिन ये इसीलिए मैं बता रहा था कि अचो अंत्यादि टी का तात्पर्य है स्वर की टी संज्ञा होती है, लेकिन स्वर के बाद यदि व्यंजन हो, यदि कोई वर्ण हो स्वर के बाद, और स्वर के बाद कोई वर्ण मतलब केवल व्यंजन से है, ठीक है, तो उस पूरे समूह की भी टी संज्ञा हो जाती है। अब टी संज्ञा से लाभ क्या है वो आप, मैंने बताया था, मैं लिंक दे दूंगा, उसे जाकर के जरूर देखें, क्योंकि संधि में प्रयोग की जाती है, ये मनीषा हलीषा इस तरह के जो शब्द हैं उनके प्रयोग किए जाते हैं। तो ये ई है दधी का ई, ये क्या हो गया, इसकी टी संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। जैसे राजन है, बस इसे उदाहरण ही क्या हो देंगे। अब राजन में हम, अब पता चल गया है आ इसमें से निकाल लेंगे और ना हमारे पास वर्ण है ही, क्योंकि इसके बाद में कोई वर्ण ही नहीं है, तो अंतिम वर्ण है, तो इसमें क्या करेंगे, इस पूरी की अन की टी संज्ञा हो जाएगी। अब हमें पता चल गया है कि अंतिम जो स्वर होता है उसके बाद जो भी वर्ण दे रखे हो अर्थात व्यंजन दे रखे हो उन पूरे समूह की टी संज्ञा हो जाती है। चलिए उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आया होगा, है ना, और नहीं आया हो तो जरूर बताना। चलिए अब हम दूसरा ले लेते हैं, अलो अंत्यात पूर्वपदा। तो यहां अल है, अंत्यात है, पूर्व है, उपधा है ना।
अल मैंने बताया था ये वाला स्वर और व्यंजन दोनों सभी वर्ण। अंत्यात का मतलब वही है जो वर्ण बहुत सारे दे रखे हों उनसे अंतिम से लेते हैं ना, बहुतों के अंतिम से या सीधे अंतिम से ही रहने दीजिए, यहां पे भी समझाने तो दिया ही मैंने लगभग। अंतिम से, अंतिम से जो पूर्व है ना, पूर्व मान पहले, उसकी क्या हो जाती है, उपधा संज्ञा हो जाती है। उसको किस नाम से जाना जाता है, उपधा के नाम से जाना जाता है। सभी वर्ण यानी कि एक अक्षर एक शब्द है उसमें बहुत सारे वर्ण होते हैं, स्वर भी होते हैं व्यंजन भी होते हैं, यहां सभी वर्ण लिया गया है। उनमें अंतिम से उन सभी वर्ण और मतलब स्वर और व्यंजनों में से जो अंतिम है उससे पहले वाले की उपधा संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अब इसमें तुम कुछ भी कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे गम ले लो, पठ ले लो, गच्छ ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। पठ ले लेते हैं, अब पठ में हम अगर खंड करें पा आ और ठा, ये तीन बन पा रहे हैं। तो हमने पढ़ा है सभी वर्णों के जो अंतिम है, यानी ठा हम पे इसमें इसमें अंतिम है, उससे पहले वाले वर्ण का अर्थात आ की क्या हो जाएगी, उपधा संज्ञा हो जाएगी। तो आ यहां का आकार क्या हो गया, उपधा संज्ञा वाला हो गया, आकार की उपधा संज्ञा हो गई। कोई भी शब्द ले लीजिए आप, जैसे राजन पढ़ा समझा था हमने, अभी राजन ले लो, राजन में रा है, आ है, जा है, आ है और ना है, है ना। तो इसमें हमारे पास ना है अंतिम, अंतिम ना है तो उससे पहले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होगी, तो आ की क्या हो जाएगी, उपधा संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो अब कभी भी आ जाए कि राजन में उपधा संज्ञा किसकी होगी, तो हमको क्या लगाना है, आ की होगी। यदि ये समझ में आ जाते हैं तो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ ले, कितनी प्रकार से पूछेगा, चार से पांच प्रकार से ज्यादा नहीं पूछ सकता कोई व्यक्ति, क्योंकि जो वहां प्रश्न उत्तर बना रहे हैं वो भी इसी माध्यम से पढ़े हुए हैं, कोई अलग माध्यम नहीं है, या इंग्लिश मीडियम नहीं है कि इंग्लिश मीडियम से अलग पढ़े हुए हैं, साइंस नहीं है कि इंग्लिश मीडियम से अलग पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम को घुमा देंगे वो, ये संस्कृत है, संस्कृत के माध्यम से ही पढ़े होंगे, और अष्टाध्यायी वैसी ही है इसमें। तो यहां आ है तो आ की क्या हो जाएगी, उपधा संज्ञा हो जाएगी। जैसे रामे है ना, और रामे के हम खंड करें रा आ मा और ए, ठीक है। तो अंतिम हमने वर्ण देखना है, उससे पूर्व देखना है, तो मां आ गया, तो मकार की क्या हो गई, उपधा संज्ञा हो गई, बस। तो उम्मीद है संप्रसारण टी उपधा ये तीन संज्ञाओं को मैंने कोशिश की बताने की, आपको अच्छे समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।